أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته students today I Hinan Ara teacher HS Kaslu delivering a lecture of class 5th subject is English and the topic is poem You Are Old Father William This poem depicts a conversation between a young man and a priest of the church known as Father William इस poem में एक बातचीत होती है एक यंग लड़के और एक चर्च के फादर जो होते हैं पॉप जिसको हम बोलते हैं उसके बीच तो यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि ये फादर एंड सन है और वी कैन से दिस इज़ अ यंग मैन एंड अ फादर ऑफ चर्च पॉप जिसको हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द टफ वर्ड्स द मीनिंग ऑफ द टफ वर्ड्स फर्स्ट वर्ड इज इंसेंटली without interruption sage a wise person lock here in this poem lock ka matlab hai here supple flexible sweat a kind of fat which old men with weak jaws can eat without much difficulty to give oneself airs to think high of oneself or to be too proud such stuff matter of this kind that is such nonsense now back to the poem you are old father william the young man said jo ye jawan jo ladka hai ye bolta hai father william ko ki you are old tum ab boodhe ho gaye ho and your hair has become very white aapke jo baal hai wo bhi safed ho gaye hai And you, yet you incessantly stand on your head. तुम कैसे अपने इस हेड के बल खड़े रहते हो मीनस ये एक टैलेंट दिखा रहा होता है ये जो बुजुर्ग आदमी है ये अपने सर के बल खड़ा रहता है Do you think at your age it is right? क्या तुम्हें लगता है कि इस एज में इस उम्र में ये सही है In my youth, Father William replied to his son. ये जो फादर विलियम होते हैं ये वापस इनको बोलता है इन माई यूथ मेरी जवानी में आई फियर्ड इट माइट इंजर द ब्रेन मुझे डर रहता था कि शायद ऐसा करके मेरे ब्रेन को कोई नुकसान पहुँचेगा बट नाउ दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन मगर मुझे अब लग रहा है कि नहीं इससे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा वाई आई डू इट अगेन एंड अगेन दैट इज़ वाई मैं इस टेक्निक को बार बार करता रहता हूँ यू आर ओल्ड सैट द यूथ एज आई मैंशनर बिफोर ये जो ये जवान लड़का होता है इसको बार बार बोलता है कि मैंने पहले भी कहा कि तुम अब बूढ़े हो चुके हैं एंड हैव ग्रोन मोस्ट अनकॉमनली फैट और आपके ऊपर अननेसेसरली अनकॉमनली जो आपको ज़रूरत नहीं है वो चर्बी चढ़ गई है येट यू टर्नड अ बैक सम रिसॉल्ट इन एट द डोर फिर भी इस एज में तुम ये कलाबाजी सैम रिसॉल्ट मीनस कलाबाजी जो कोई टेक्निक जो कोई टैलेंट दिखाता हो तुम ये दिखाते हो प्रे व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट दुआ करो कि इससे तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम ना हो इन माई यूथ सेट द सेज एज ही शुक हिज ग्रे हेयर्स इन माई यूथ वापस फिर से बोल सेट द सेज सेज मीन्स वाइज पर्सन जो दाना आदमी जो सच्ची बात बताता हो कि मेरी जवानी में एज ही शुक हिज ग्रे लॉक्स लॉक्स हेयर इन दिस पॉइंट लॉक्स मीन्स हेयर बाल जिसको कहते हैं कि आई केप्ट ऑल माई लिम्ब्स वेरी सप्पल मैंने अपने जो मेरे तमाम जिस्म के पार्ट्स जो थे जो मसल्स मेरे थे वो सप्पल थे सप्पल मीन्स फ्लैक्सीबल ईजी टर्नर जो करते हैं बाई द यूज़ ऑफ दिस ऑइंटमेंट वन शिलिंग द बॉक्स किससे ये जो ये ऑइंटमेंट है एक बॉक्स इस ऑइंटमेंट का आता था एक शिलिंग में तो इसकी वजह से मैं ये सब चीज़ें कर पाता था एलो मी टू सेल यू ए कपल मुझे इजाज़त दो कि मैं ये तुम्हें दुगनी कीमत में बेच सकूं तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इसका जो इसका ये अभी थोड़ी लेंथी है तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे होप कि आपको ये समझ आया होगा थैंक यू